आज हम बात करेंगे कि आखिर भीड़ के कंधे पर सवार कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात दो तस्वीरों की करते हैं। पहली तस्वीर यूपी में पंचायत चुनाव की है, जहां पहले चरण के मतदान के दौरान नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कहीं चेहरे पर मास्क नहीं था तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर हरिद्वार कुंभ की है, जहां तीसरे शाही स्नान के दौरान लाखों की भीड़ जुटी और कोरोना के लिए जारी नियमों को ताक पर रख दिया गया। लोगों ने मां गंगा में डुबकी तो लगाई, लेकिन गाइडलाइन का पालन करना भूल गए। ऐसी लापरवाही कोरोना विस्फोट ला सकती है। और ऐसे में न्यूज़ स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं, एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर उन्हीं सवालों को लेकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द रैंडम जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, क्या भीड़भाड़ वाली जगहों पर लापरवाही पर फाइन बढ़ना चाहिए, क्या डोर टू डोर जांच फिर से शुरू होनी चाहिए, क्या पंचायत चुनाव के अगले चरण में सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना की चेन टूटने में वक्त नहीं लगेगा। ये वो अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मनीष शुक्ला जुड़ गए, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी निखिल शर्मा जुड़ गए लखनऊ से और सुरेंद्र सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। पहला सवाल निखिल आपसे, आज मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो अस्पताल एडमिट करने में हिला हवाली कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो। सवाल इस बात का है कि जब अस्पताल में बेड रहेगा तब एडमिट करेंगे, जब अस्पताल में सुविधाएं होंगी तब एडमिट करेंगे, या सिर्फ हवा में आदेश हो गया कि भाई नहीं करेंगे तो आप FIR कर दीजिए। कहां से कर देंगे FIR, किसको नहीं पता है कि लखनऊ में हालात बद से बदतर से बदतर हो गए। लेकिन जो अस्पताल कोविड डेडिकेटेड बनाए गए हैं वो बिल्कुल सक्षम नहीं है, जितनी संख्या में जितना तेजी से संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। हालत ये है कि अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कोविड कंट्रोल रूम के बाहर भी काफ़ी लोग कल रात तक इंतज़ार करते रहे कि उनको टोकन मिल जाए और उनके मरीज को कहीं किसी अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए। अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है और उसकी तस्वीरें अगर हम बात करें तो लखनऊ की। निखिल मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, ये जरा टोकन सिस्टम क्या है ये भी जरा समझाइए। ये जो टोकन सिस्टम बना दिया इन लोगों ने, इसका भी मतलब समझाइए जरा। बिल्कुल अंजीत, दरअसल ये देखा जा रहा था कि जो कॉल सेंटर है वहाँ से जब अस्पतालों को मरीज रेफर किए जा रहे थे तो वहाँ अस्पतालों में मरीज भर्ती करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसके बाद एक टोकन सिस्टम बनाया गया था जो उन मरीजों को जो बेहद गंभीर हैं उनके परिजनों को दिया जा रहा था और ये प्रयास किया जा रहा था कि डायरेक्ट ये मैसेज अस्पताल तक पहुँचे और जल्दी से जल्दी जो संक्रमित मरीज है उसको भर्ती किया जाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, जब आपके पास उतने बेड ही नहीं है, आपके पास उतना स्टाफ ही नहीं है, आपके पास उतने अस्पताल ही नहीं है, तो आप भर्ती करेंगे कहाँ मरीजों को। 5,000 के आसपास की संख्या लखनऊ में रोजाना पिछले कुछ दिनों से मिल रही है और ये इस ओर संकेत करती है कि अस्पतालों की स्थिति क्या होगी। आपको बता दें कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने 2100 बेडों का जो है व्यवस्था की थी, अस्पतालों की व्यवस्था की थी उसमें बेडों की, उसके बाद ये संख्या बढ़ा दी गई, 500 जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसको बढ़ा दिया गया, 300 जो है बलरामपुर हॉस्पिटल को बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी ये संख्या नाकाफी है, मतलब किसी भी स्थिति में वो संख्या पूरी नहीं हो रही है जितनी संख्या की जरूरत है। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब इतनी तेजी से संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था नहीं। उसके उलट अंजीत एक और बहुत बड़ी बात है, जब सारे अस्पताल कोविड डेडिकेटेड हो जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इनको आम परेशानी है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कोई और परेशानी है, किसी को डिहाइड्रेशन है या किसी और तरह का कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ है, तो उसके लिए तो मानो इस समय अस्पताल की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। अस्पताल के बाहर वो मरीज दम तोड़ दे रहा है और वहीं से वो भैंसा कुंड की तरफ चला आ रहा है, यानी यहाँ अंतिम संस्कार होना है। तस्वीरें अगर हम लखनऊ की बात करें तो सड़कों पर इस वक्त वाहनों से ज्यादा एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज सुनाई पड़ रही है। लोग अपने परिजनों को एक अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल तक भटक रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।
चाहे संक्रमित मरीज हो और चाहे वो निगेटिव मरीज हो, दोनों की ये स्थिति है। तो ऐसे में जो अस्पताल की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। लखनऊ की अगर हम बात करें, CMO पिछले कई दिनों से लगातार फोन नहीं उठा रहे हैं। हालात ये है कि सरकार के एक मिनिस्टर को ये कहना पड़ गया कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो गंभीर नहीं है। शायद इसी का वजह है कि लखनऊ में हर जगह मातम की स्थिति है। उन्होंने अपना पूरा जो उनका फंड था वो दे दिया कि यहाँ पर व्यवस्था की जाए हमारे विधानसभा क्षेत्र में। तो ये दर्द है जनप्रतिनिधियों का, शायद एम्बुलेंस नहीं मिली जिस वजह से ये दिक्कत हुई, एम्बुलेंस मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। पर लौट रहा हूं निखिल आपके पास। पंचायत चुनाव और कुंभ जैसे आयोजनों में नियमों का पालन नहीं करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है कि कुंभ जैसे कार्यक्रमों के जरिए कोरोना विस्फोट होने की आशंका है। और खास करके कुंभ में जो करीब करीब 30 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं, डिप लगा रहे हैं, वहां से जब ये पूरे देश में स्प्रेड होंगे, और चूंकि आपने देखा होगा कि विगत दो दिनों में हरिद्वार में भी कोरोना के केसेस काफी बढ़े हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोरोना किसी धर्म को नहीं मानता है। चाहे किसी भी धर्म का एक समूह अगर कांग्रीगेशन होता है, जमाव होता है, और जहां सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की धज्जियां उड़ती है, चाहे वो शादी का हो, चाहे राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक समूह बना के आप कहीं इकट्ठा होते हैं, इन सब जगहों पे कोरोना फैलने की बहुत ज्यादा एक संभावना होती है। मनीष जी, एक तो पंचायत चुनाव आप करा रहे थे उसमें कोविड गाइडलाइन की पालन नहीं करा पाए, दूसरा मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, क्या सरकार से यही उम्मीद लोग कर रहे थे? इसी दिन यही दिन देखना बाकी था। देखिए दो विषय है, एक विषय पहले मैं सरकार लगातार क्या कदम उठा रही है उसको मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद निश्चित रूप से पंचायत चुनाव भी आते हैं। देखिए कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका संक्रमण तेजी से बढ़ा। पिछले साल सितंबर में 7,500 पहुंचा था, जबकि इस बार अप्रैल में ही ये 20,000 के ऊपर चल रहा है। इसके नाते से तमाम दुश्वारियां सामने आई, लेकिन सरकार ने कदम उठाए हैं। कल 840 बेड बढ़े और आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो 1121 बेड लखनऊ में बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त 6 बड़े मेडिकल कॉलेजेस को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। आज कम से कम कहीं ऑक्सीजन की कमी की कोई सूचना हम लोग के पास नहीं आई है। देखिए हम लोग भी सीधे लोगों से भी जुड़े हैं, जब समस्या आती है तो हम लोग के पास सीधे भी आ रही थी, तो आज ऑक्सीजन की कमी की कहीं सूचना नहीं है। एम्बुलेंस भी लोगों को मिल रही है, यानी सरकार ने जो एफर्ट्स लिए हैं उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है और दवाएँ हैं उसकी कालाबाजारी न हो, इसके लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं, परीक्षाओं को भी स्थगित किया है, और जो 10 जिले 2000 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले जिले हैं वहाँ रात्रि को के कर्फ्यू का टाइम बढ़ाया गया है, रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किया गया है। इसके अतिरिक्त तमाम वो आवश्यक कदम सरकार उठा रही है जिससे मरीज को समय पे चिकित्सा मिल जाए, एम्बुलेंस मिल जाए, और अगर गंभीर बीमार मरीज है तो उसको बेड मिल जाए। दूसरी बात पंचायत चुनाव की है, तो आज हमारी पार्टी ने भी चुनाव आयोग से ये मांग की है कि जो कोविड के नियम है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है, उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए। देखिए चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है जी, उसको भी आपको जानना चाहिए, आप जान ही रहे होंगे, जनता को भी जानना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव कराए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर, चुनाव मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि माननीय अदालत ने कहा था कि 2 मई तक चुनाव करा लीजिए, लेकिन मैं ये बात भी समझ रहा हूं सर, उसी माननीय अदालत ने ये कहा कि सरकार 2 से 3 सप्ताह तक लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। उसी माननीय अदालत ने ये कहा कि जब नदी में तूफान आता है तो बांध रोक नहीं पाते। उसी माननीय अदालत ने कहा कि जब जिंदगी नहीं रहेगी तो विकास किस काम का। सर मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, आप चले जाते माननीय अदालत, कह देते कि रोक दिया जाए चुनाव, आप नहीं गए सर। देखिए हमको लगता है ये विगत 7-8 दिनों से ये समस्या अपने विकराल रूप में आई है, चुनाव गोइंग ऑन था, और सरकार का ये मानना है कि आयोग चाहे तो इस बात का फैसला ले सकता है, ये आयोग के प्रोटोकॉल में आता है,
और हमने सर सरकार तो भी अपने 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 योग्यता से अपने विवेकानुसार सोच सकती है ना सर। सरकार को तो ऐसा नहीं है कि रोका गया है कि वो चुनाव आयोग नहीं जा सकते, वो हाईकोर्ट नहीं जा सकते, जब कोरोना की हालत ये हो गई है, जब लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है सर। नहीं, देखिए आपने कहा कि चुनाव और माननीय न्यायालय ने कई और भी निर्देश दिए, माननीय न्यायालय का निर्देश है उसके अनुसार लगातार जहां आवश्यकता है वहां कर्फ्यू भी लगाया गया है, बढ़ाया जा रहा है, टाइम को बढ़ाया जा रहा है, अन्य सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और हमको लगता है कि आज कई जगहों पे स्थितियों में इस मामले में सुधार है, सुविधाओं की दृष्टिगत सुधार आया है। और देखिए अगर चुनाव के नाते से कोरोना फैलेगा अंततः सरकार को ही एफर्ट लेना पड़ेगा, इसलिए सरकार तो चाहती ही है कि कतई को मैं मनीष जी आता हूं आपके पास, थोड़ा वक्त दीजिएगा, मेरे साथ दो तीन मेहमान और हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहता हूं। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गए, सीनियर फिजिशियन हैं, डॉक्टर शिवशंकर साई जी भी जुड़ गए, वो भी सीनियर फिजिशियन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिवशंकर साई जी, क्या सुझाव है तत्काल जिससे केसेस कम होने शुरू हो जाए, लोगों की जिंदगी बचे, लोगों को कम से कम राहत मिले? देखिए सबसे पहले कोरोना को फैलने से रोकना होगा, जिससे भीड़ भाड़ को कम करना होगा। लॉकडाउन एक ही सहारा न मान कर, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत ही आर्थिक क्षति हो रही है, देश बहुत पीछे बढ़ता जा रहा है, कुछ सरकार को ऐसे सख्त उठाने चाहिए ताकि भीड़ भाड़ कम हो। जिसमें चुनाव का एक मुद्दा काफी आपने उठाया है और इसको मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो हमारे समाज जो भीड़ हो रही है, जो हर जगह पब्लिक गैदरिंग हो रही है, जो शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, इनको कम से कम बंद किया जाए ताकि कोरोना का ट्रांसमिशन रोका जाए। इसमें बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है, हमारे क्लिनिक हर मरीज आते हैं, रोज 8 से 10 मरीज पॉजिटिव आते हैं, हर जगह भीड़ लगती रहती है, वैक्सीन लगाने की जगह भीड़ लग रही है, मार्केट में भीड़ लग रही है, इससे भी ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। तो आंशिक लॉकडाउन तो करना चाहिए हर जगह सरकार को, इसके एक मौत उपाय है। दूसरा यह है कि हम मैक्सिमम बेड बढ़ा रहे हैं, जैसे मैं गोरखपुर हूँ, आज ही हमारे सीएमओ से मीटिंग हुई थी पूरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो जहाँ प्राइवेट अस्पताल 10-12 अस्पताल कोविड के तैयार हो गए, बेड की संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। एक तरफ हमको लड़ाई लड़नी कोरोना से और दूसरे तरफ कोरोना को फैलने से रोकना है, तो किसी न किसी तरह से भीड़ भाड़ को कम करना पड़ेगा, जैसे भी करना हो सरकार को इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ में इकट्ठा ना हो। चाहे उसके लिए आप बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दिए, चुनाव को टाल सकते हैं, या शॉपिंग मॉल बिजनेस इन सब चीज़ों में कुछ प्रतिबंध लगा के इसमें भीड़ कम कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी करना चाहिए क्योंकि बहुत ही भयावह रूप ले चुका है, हम लोग बहुत ही परेशान है कि किस तरह से इसको रोका जाएगा, बहुत ही बृहद रूप ले चुका है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, देखिए परीक्षा टालना सरकार के हाथ में था, परीक्षा सरकार ने टाल दिया, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में वो मेंटेन हो रहा है, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? एक साल से ज़्यादा हो गया जब सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, भीड़ मत जुटाइए, फिर भी लोग नहीं मान रहे, तो क्या सरकार कहाँ तक करेगी भाई? एक साल से तो जागरूक कर रही है ना सरकार, कितना जागरूक करेगी लोगों को? देखिए ताली तो दोनों हाथों से ही बजेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक तरफ सरकार को जहाँ इस वक्त कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है, वहीं लोगों को भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर उनका आचरण नहीं सुधरेगा, अगर वो ये सोच के चलेंगे कि पिछले साल तो हम घूम रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हमें कोरोना नहीं हुआ, भारत की इम्यूनिटी लेवल तो बहुत अच्छी है, हम लोगों को तो कोरोना हो ही नहीं सकता है, और इस बार आप देख रहे हैं कि वो सभी लोग सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्हें था कि हमें तो कोरोना होगा ही नहीं। और अब आप देखिए कि जिस तरह से पूरे पूरे परिवार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, और आज जहाँ 12 लाख एक्टिव केसेस भारत में हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की दम निकलने शुरू हो गई है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जब और संक्रमण बढ़ेगा और ज़्यादा लोग पीड़ित होंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए सरकार को भी अब ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप ये कहते हैं कि बेड्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं, तब कहीं ना कहीं थोड़ा धरातल पर जाकर वास्तविकता देखनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो झूठी तस्वीरें तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो ये सब चीज़ों की कमी हो ही रही है, तो सरकार को ये ज़रूर
जरूर देखना चाहिए कि कैसे हम जहां भी अभी कमी है, पेशी है, वहां पर कैसे हम पूर्ति कर सकते हैं, कैसे वहां हम जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाएं, क्योंकि ये स्थिति अभी और ज़्यादा भयानक होने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब कॉरपोरेट को इन्वॉल्व करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे निजी संस्थान हैं, इस तरह के जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं बड़े बड़े, उनसे भी हम लोग जो है सरकार, मुझे लगता है उनको रोप इन करे कि किस तरह से हम छोटे छोटे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, इस तरह की ऑक्सीजन वाली जगह बना सकते हैं जहां लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। क्या टेस्टिंग में उन लोगों की मदद हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर अभी भी हम युद्ध स्तर पर नहीं गए तो ये जंग हारती भी दिखाई देगी, लेकिन आज भी अगर हम लोग सचेत हो जाएं, लोग भी, सरकार भी, तो हम इसको अभी भी जीत सकते हैं। देखिए, एक तरफ आप कुंभ मेला कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि जब वहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है और वहाँ कोरोना नहीं हो सकता, तो यहाँ हमारे मार्केट जाने से क्यों कोरोना हो रहा है, या अगर हम आज सिनेमा देखने जा रहे हैं या मॉल जा रहे हैं, हम तो चार पांच ही लोग हैं जो देखने जा रहे हैं, तो हमें क्यों कोरोना होगा। वहाँ तो आप लाखों लोगों की भीड़ लगा के बैठे हैं और वहाँ कोई कोरोना नहीं हो रहा। तो लोगों में एक संदेश जाता है, लोगों के मन में से जो एक डर है वो खत्म होता है, उन्हें लगता है कि ये कोरोना ऐसा तो नहीं है कि वहाँ नहीं जा रहा है, यहीं आ रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि अगर हम एग्जाम्स जैसी चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते हैं, हाँ, तो इसको अच्छा भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने तो कुंभ का जिक्र किया, इसलिए मैं सीधे देहरादून का रुख करता हूं। मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला बने हुए, जो लगातार हरिद्वार कुंभ पर भी नजर बनाए हुए। सुरेंद्र, भीड़ हुई पिछले दिनों, जो शाही स्नान हुआ, आगे फिर से शाही स्नान है, उसको लेकर के अब तो लगता नहीं कोई प्लान है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कोई अवधि घटाई नहीं जाएगी, ये पूरी तरह से रहेगा। तो पूरी तरह से रहेगा तो क्या तैयार है पूरी तरीके से, अगर कोरोना फैलेगा तो कैसे रोकेंगे उसको? देखिए अंजीत, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले मुख्य सचिव का एक नया आदेश जारी हुआ है जो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। बिल्कुल। उत्तराखंड में अब पूरे जिलों में रात्रि कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। पहले केवल देहरादून में रात्रि कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू पूरे स्टेट में लागू कर दिया है। 200 व्यक्ति भाग ले सकते हैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में, शादी विवाह में। लेकिन इसी आदेश में ये भी लिखा है कि कुंभ को लेकर जो केंद्र सरकार के 30 जनवरी 2021 जनवरी 21 की, यानी जो जनवरी 2021 में जो गाइडलाइन आई थी उसी के तहत पालन होगा। यानी आपने कुंभ को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। कुंभ में आप चाहते हैं कि जनता जिस तरह से आ रही है, जो रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट की बात कही जा रही थी उसी पर यह आदेश कायम है। बाकी कोचिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, सार्वजनिक जो यातायात होगा 50% होगा, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो जिम होंगे वो 50% में ही संचालित होंगे। लेकिन बड़ा सवाल हमारा यही है जो आपने पूछा कुंभ को लेकर। देखिए, हम लगातार ये कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं से आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन अखाड़ों में क्यों टेस्ट नहीं हो रहे हैं? लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं वहां पहुंच रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हर अखाड़े की स्ट्रेंथ भी हजारों में है। यानी अगर 13 के 13 अखाड़ों को मैं जोड़ूँ तो ये आंकड़ा लाखों के पार पहुँचता है। आज ही महामंडलेश्वर कपिल देव दास की मृत्यु हो गई है, वो कोरोना पॉजिटिव थे। बैरागी अखाड़े के निर्वाणी अड़ी के वो संत थे, चित्रकूट के तारा माँ मंदिर के वो पीठाधीश्वर थे, उनकी आज मृत्यु हो गई। एक जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, वो एम्स में एडमिट हैं, हालत उनकी भी ख़राब है। इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु संक्रमित हो रहे हैं, उसके बावजूद कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। आज ही मैंने मुख्य सचिव से पूछा, अंजीत मैं बताऊं, उत्तराखंड को लेकर ये बहुत चौंकाने वाली बात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपने बिल्कुल रिपोर्ट भेजी थी, आपने भेजी थी कि खत्म हो गई है, अगले वहां है ही नहीं, अगर और अगले 2-3 दिन में आएगी, तब तक पता नहीं क्या होगा। और वैक्सीनेशन का काम रुक चुका है कई जनपदों में, ये कितनी चिंता की बात है। मनीष जी, मैं एक बार संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, सर समय कम है इसलिए एक सवाल जल्दी जल्दी से करना चाहता हूं। इस बार क्या कंफ्यूजन है सर, क्योंकि पिछली बार जब था, ये बात सही है कि कहा जा रहा है कि पहली बार कोरोना कमजोर था, लेकिन आपने अच्छा कंट्रोल किया था, इस बात की तारीफ सब जगह हुई थी, इस बार क्या हो गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की दवाइयों की कमी नहीं है। 3-4 दिन पहले कुछ दवाइयों की कमी की शिकायत जरूर आई थी, लेकिन रेमडेसिविर जो बात अभी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कल 25,000 डोज उत्तर प्रदेश सरकार ने अहमदाबाद, सर पंचायत चुनाव अभी भी रोके जा सकते हैं, नहीं रोके जा सकते हैं, और उसका वितरण हो गया है। भाई देखिए, पंचायत चुनाव के विषय में माननीय न्यायालय को इंटरफियर करना पड़ेगा। सर आप जा सकते हैं, नहीं माननीय न्यायालय, सरकार ने सरकार सरकार
सुनिए अंजीत जी, चुनाव नहीं कराने पे माननीय न्यायालय ने एडवर्स टिप्पणी की थी और साफ निर्देश दिया कि 2 मई तक चुनाव कराया जाए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप चले जाइए ना अदालत, आप कहिए कोरोना विस्फोट हो सकता है गाँव में, इसलिए माननीय अदालत से आप कह दीजिए कि भाई रोका जा सकता है इसको। देखिए अंजय जी, मैं अरे आज चैनल पे आपके बैठ के इस बात को मैं नहीं कह सकता, मेरी जो मर्यादा है उसके विपरीत होगा कि मैं कहूँ कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से सरकार हर वो कदम हर वो स्टेप लेगी जिससे कोरोना को रोका जाए, उसके संक्रमण को रोका जाए। ओके शिवशंकर साई जी, अब चुनाव रुकेंगे नहीं तो फिर तो हमें इसलिए भी तैयार होना चाहिए, अगर नहीं रुकते हैं तो अगर 1% मान लीजिए सरकार हो सकता है कोई पहल कर ले या कोई और चला जाए तब तो फिर गांवों में पहुंच जाएगा, फिर तो क्या होगा, अब इसकी कल्पना आप बताइए। देखिए अभी भी शहर में फैला हुआ है, लखनऊ में कल हल्ला एक ऑक्सीजन की कमी हुई, गोरखपुर से ऑक्सीजन लखनऊ भेजा गया है और अब सरकार के समय समस्या है। मैं कहना चाहता हूँ हर काम सरकार के ऊपर थोपा जा रहा है, पब्लिक कुछ नहीं कर रही है, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। स्वाति महेश्वरी जी, एक सवाल ये भी तो है भाई, अगर सरकार ये कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा करके और सारी चीजें पालन करके चुनाव, उसमें क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है भीड़ जुटाने की, लोग क्यों नहीं मान रहे जल्दी से स्वाति जी? देखिए कुछ पिछले कोविड के जो हमारी वेव के जो हमारी मेमोरीज हैं जो है, लोगों को यही लगा कि छोटी मोटी बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाएगी, हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रम भी आया। और जिस तरह से शुरुआत के दिनों में जनवरी फरवरी में मामले कम हुए, वैक्सीन आई, सिनेमा हॉल्स खुले, शॉपिंग मॉल्स खुले, तो लोगों को लगा हम सामान्य जीवन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को ये समझने की कि ये कोरोना बहुत ज़्यादा घातक है और अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो जी माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूँ, वो खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।